अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पंचायत भवन में। सावन माह यानी कि जो पूरे साल का जो सबसे पवित्र माह होता है उसको बोला जाता है, एक ऐसा महीना जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु व्रत रखते हैं। और पिछले शनिवार की बात करूं यानी कि बीते शनिवार की बात करूं तो सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। और कल जो बीता हुआ सोमवार है, बहुत सारे श्रद्धालुओं ने जो भोलेनाथ को मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उन्होंने भोले शंकर का व्रत रखा कल यानी कि सोमवार को। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुलाई के महीने में ही आदेश आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर आए थे कि अब कोई भी कांवड़िया, कोई भी श्रद्धालु पैदल या फिर अपने किसी वाहन से, बाइक पर, स्कूटी से, गाड़ी से, किसी भी टेम्पू से उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार नहीं जा सकता गंगा जल लेने के लिए। गंगा जल की महत्वता क्या है वो आप लोग बेहतर समझते हैं कि सावन महीने में जब शिवरात्रि आती है तो किस तरीके से जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग को स्नान करवाया जाता है गंगा जल से, और गंगा जल से पवित्र कोई जल नहीं होता। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये ऑर्डर आए थे कि अब कोई भी कांवड़िए, कोई भी श्रद्धालु उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार नहीं जा सकते, उसके बाद काफ़ी भारी नाराजगी कांवड़ियों में देखने को मिली थी, क्योंकि कांवड़िए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब आखिर हम गंगा जल कैसे लाएंगे, कैसे इस सावन के महीने में शिव जी को खुश करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, तमाम जो करनाल जिले के कांवड़िए हैं, तमाम जो करनाल जिले के श्रद्धालु हैं जो शिवरात्रि पर शिवलिंग को खुश करना चाहते हैं, भोले शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी जानकारी ज़रूर है कि करनाल के पंचायत भवन में अब आपको बिल्कुल मुफ्त यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गंगा जल मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड जल संस्थान हरिद्वार का ये टैंकर है, इस टैंकर में हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड से गंगा जल भरकर आया हुआ है। ये टैंकर आगे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल जिले में उत्तराखंड का ये टैंकर यहाँ पर मौजूद है। और इसको ये जो नगर निगम करनाल का टैंकर है, गंगा जल इस टैंकर में से यानी कि उत्तराखंड के टैंकर में से करनाल के नगर निगम के टैंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर अब श्रद्धालु आ सकते हैं। प्रोसेस में आपको एक बार बताना चाहूंगी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, टीम यहाँ पर मौजूद है और उस टीम के द्वारा ही आप यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना नाम दर्ज करवाएंगे, अपना पता लिखवाएंगे, अपना फोन नंबर लिखवाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से गंगा जल आपकी किसी बॉटल में, किसी कैनी में, जो भी आप लेकर आएंगे, एक लिमिटेड अमाउंट में आपको मिलने वाला है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। 200 mm का जो लीटर में बताया जा रहा है या लीटर में जो भी गंगा जल आपको मिलेगा उसके बारे में पूरी जानकारी एक बार ज़रूर निकालेंगे। लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को हर श्रद्धालु तक, हर कांवड़िए तक पहुँचाएँ। जो इस पूरे प्रोसेस के जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो DCW हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर के जो अधिकारी हैं विश्वास मलिक, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। और आप देख सकते हैं पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। आज यानी कि 27 जुलाई से लेकर आने वाली 6 अगस्त, क्योंकि 6 अगस्त को शिवरात्रि है, तो 6 अगस्त तक आप यहां पर आ सकते हैं करनाल के पंचायत भवन में, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और गंगा जल लेकर जा सकते हैं। एक बार जो विश्वास मलिक हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनसे जानकारी लेंगे, जिनको पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी यहाँ की दी गई है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, उत्तराखंड से टैंकर आया जिसमें गंगा जल आया, किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं, कांवड़िया यहाँ पर आ सकते हैं और गंगा जल लेकर जा सकते हैं? जिला प्रशासन ने विशेष उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश पे ये गंगा जल श्रद्धालु भाइयों के लिए, कांवड़िए भाइयों के लिए मंगवाया गया है जी। जिला प्रशासन इसको फ्री में वितरित करेगा, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वितरित होगा। इसके लिए विशेष एम्प्लॉयज़ की एक टीम का गठन करके इस पे लगाया गया है। ये चाइल्ड लाइन टीम 1098 है, जो बाल भवन में प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी पूरी टीम इसकी देखरेख में इसका वितरण करेगी। और आज 27 अगस्त से इसका वितरण शुरू हो गया है, जो 6 अगस्त से 5 बजे तक इसका वितरण होगा। और हर श्रद्धालु को 200 मिलीलीटर गंगा जल मिलेगा, वो अपना पात्र लेके आए और बड़े प्यार से
अपना गंगा जल लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आए थे कि जुलाई में ये आदेश आ गए थे कि कोई भी श्रद्धालु कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड नहीं जा सकता कांवड़ लेने के लिए, काफी ज्यादा नाराजगी कांवड़ियों में देखने को मिली थी क्योंकि अब वो लोग उत्तराखंड नहीं जा पा रहे थे। और ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कई कांवड़िये छुप छुप कर जा रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं और उनको भी वहां पर क्वारंटीन कर दिया गया 14 दिनों के लिए। तो उन कांवड़ियों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि अब आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट अब तो आपको कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल, जिला प्रशासन और हमारे उपायुक्त महोदय श्री निशांत कुमार यादव ने यही विशेष सुविधा इन कांवड़िया भाइयों के लिए की है ताकि वो कोई भी रूल तोड़कर वहाँ तक ना पहुँचें, हमारे जिले के हेडक्वार्टर से ही अपना गंगा जल लें और अपनी श्रद्धा शिव भक्ति के उसमें अर्पित करें। सर कितने टैंकर आने वाले हैं उत्तराखंड से और अभी फिलहाल एक ही टैंकर आया आज से क्योंकि शुरुआत हुई है? टैंकर आते रहेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि और मंगवाना है तो टैंकर में कोई लिमिट नहीं है, टैंकर जैसे हमें लगेगा कि और चाहिए तो आते रहेंगे टैंकर। सर 200 मिलीलीटर से ज़्यादा अगर किसी को चाहिए हो गंगा जल तो उसके लिए भी कुछ प्रबंध किया जाएगा? ना, नहीं मिलेगा 200 मिलीलीटर ही मिलेगा। क्योंकि अब खबर चलेगी बहुत सारे कांवड़िए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ जाएंगे, भीड़ इकट्ठा ना हो उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किए जाएंगे? इसके लिए स्पेशल PCR को यहाँ तैनात कर दिया गया है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उसी हिसाब से प्रबंध करना हम शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं नोडल अधिकारी हैं DCW डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं विश्वास मलिक, किस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहां पर आ सकते हैं। पंचायत भवन से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कोई भी कांवड़िया कोई भी यहां पर श्रद्धालु आ सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और बिल्कुल मुफ्त आपको 200 मिलीलीटर तक गंगा जल आपको मिलेगा। आपको अपनी बॉटल साथ में लानी है या फिर आपको अपनी कैन साथ में लानी है जिसमें भी आपको गंगा जल भरवाना है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के ना सिर्फ ये ऑर्डर आए थे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी श्रद्धालु कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड जाएगा बल्कि ये भी ऑर्डर आए थे, ये भी आदेश आएंगे कि सख्ती से इसकी पालना जरूर होगी, यानी कि अगर कोई भी कांवड़िया मिलता है रास्ते में उत्तराखंड जाता हुआ तो उत्तराखंड में उसको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा और जिस भी वाहन में वो जाएगा उस वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा, उस वाहन को इम्पाउंड कर लिया जाएगा, वो वाहन भी नहीं दिया जाएगा। आप आए साल देखते हैं किस तरीके से सावन के महीने में जो कांवड़िए होते हैं वो अपने अपने वाहनों पर जाते हैं, टेम्पुओं पर जाते हैं, बाइकों पर भी जा रहे होते हैं, पैदल भी जा रहे होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम के साथ गाना बजाना कर और आप देखते होंगे कि बीच बीच में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए जाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, उन कांवड़ियों के लिए खाने का प्रबंध किया जाता है, पीने का प्रबंध किया जाता है, सोने का प्रबंध किया जाता है, रहने का नहाने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन क्योंकि कोविड के चलते दूसरी लहर फिलहाल आई थी और कोविड के चलते किस तरीके से पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक व्यक्ति यहाँ पर आए हैं आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाकर किस तरीके से अपनी बॉटल में गंगा जल है, गंगा जल आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड से आया है और इन व्यक्ति को इस मग से इसमें यानी कि बॉटल में ट्रांसफर किया जा रहा है गंगा जल। सबसे पहले आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज यानी कि 27 जुलाई से ही गंगा जल वितरित करने की नई शुरुआत हुई है, जो करनाल के DC हैं निशांत कुमार यादव, उनके दिशा निर्देश अनुसार किस तरीके से सबसे पहले उन्होंने करनाल में ही ये जानकारी दी थी कि कोई भी व्यक्ति करनाल जिले से उत्तराखंड की तरफ ना जाए। और अब आप देख सकते हैं कि व्यक्ति हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश भाटिया। कैसा लग रहा है सर, उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो यहीं पर गंगा जल मिल गया? हम 2 साल से हरिद्वार जा नहीं सके, यहीं मिल गया गंगा जल, बहुत अच्छी बात। तो बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जहाँ आके लें, जिनके पास नहीं है जरूर आके लें और जिन्होंने आप गंगा जल चढ़ाना भी है आगे तो यहीं से आके ले जाएं, अच्छी बात है। बहुत अच्छा ये सरकार का प्रयास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उत्तराखंड जल संस्थान विभाग से आप देख सकते हैं वाहन चालक हैं जो इस शुद्ध गंगा जल को लेकर यहां पर करनाल जिले में पहुंचे हैं, जो वाहन चालक हैं सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम SS वर्मा है जी, और उत्तराखंड जल संस्थान से हैं। और जैसा कि हमें आदेश हमारे अधिकारियों ने दिया कि हर की पैड़ी से गंगा जल लेके जाना है,
तो जैसा आदेश हुआ वैसा किया, हर की पैड़ी से ही लिया, क्योंकि जल तो दिल्ली तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात है जो कांवड़ियों को श्रद्धा होती है कि हर की पैड़ी का ही गंगा जल चाहिए, तो हम हर की पैड़ी का ही गंगा जल लेकर चले हैं यहाँ के लिए। सर, पिछले 2 सालों से ना तो भीड़ देखने को मिल रही है, ना कांवड़िए देखने को मिल रहे हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा नाराजगी थी, लेकिन आपने ये शुरुआत करनाल जिले से ही की है या फिर और भी कहीं आप लेकर जा रहे हैं? नहीं, ये कई जगह से है, जैसे हरिद्वार के जो भी बॉर्डर पड़ रहे हैं जी, जैसे बिजनौर साइड है, यूपी साइड का हो गया, और आपका पुरकाजी साइड हो गया, आपका यमुनानगर का है, और पानीपत है, कई जगह है। लेटर मिला हुआ है जिला अधिकारी के द्वारा कि कहाँ कहाँ जाना है, जहाँ जहाँ की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ जा रही हैं गाड़ियाँ। तो एक और भी वाहन चालक है, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ राजपूत। सर, क्या बताना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे कि अब आपको उत्तराखंड आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके ज़िले में पहुँच रहे हैं? हाँ जी, हम करनाल जिले में पहुँच चुके हैं, और जो जनता से अपील यही रहेगी, उत्तराखंड की दिशा प्रतिबंध लगाए नहीं जाने का, कांवड़ मेरा स्थगित हो चुका है, तो उसको देखते हुए अपना आप करनाल के ये जो हैं यहाँ पर आएँ, और अपना जो भी यहाँ के अधिकारियों ने दिशा निर्देश निकाले हैं, जिसकी जितना मतलब लेना है जल उतना ले जाएँ यहाँ सर, और अपना जो है जल चढ़ाएँ, आप उत्तराखंड जाने की जरूरत आवश्यकता है। तो 200 मिलीलीटर तक आपको गंगा जल मिल रहा है, आप चाहे तो इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पानी जल भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि गंगा जल आपको 200 मिलीलीटर तक ही मिलेगा। कोई भी कांवड़िया, कोई भी श्रद्धालु यहां पर आ सकता है पंचायत भवन में, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और भूल कर भी आप उत्तराखंड जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर आपको किसी पुलिस ने पकड़ लिया तो आपका चालान भी होगा, और इसके अलावा आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी कर दिया जाएगा, और जिस भी वाहन पर आप जाएंगे उसको इंपाउंड भी कर लिया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।